कैसे कीजिएगा? शराबबंदी का क्या असर है और कैसे इसका कितना फायदा है? तो इन सब चीजों को देखने और समझने के लिए आए हैं, हमसे भी मिले, उनको भी सारी बातों की जानकारी हमने बता दी, समझे थी। और हमने कहा था कि आपके राज्य में भी हम गए हुए हैं, जैसे ही शराबबंदी लागू हुआ वैसे ही वहाँ के लोगों ने हमको भी आमंत्रित किया और वहाँ गए हुए थे। ये जो अभी मुख्यमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे तो अपने पार्टी के अध्यक्ष थे, तो हम से भी मिले थे, तो ये सारी बात वहाँ हुई है। तो आते हैं तो अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि सब बहुत पसंद, उसमें एक महिला भी एमएलए थी, बहुत अच्छे ढंग से हमने बता दिया भाई, कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है, 100% तो कभी ठीक नहीं हो सकता। पीछे रखे तो आगे देखेंगे ना भाई, तो स्वभाव ऐसा होता है, तो उसको क्या कीजिएगा, सब थोड़ी, लेकिन मैक्सिमम। और जान लीजिए, इस बार भी जो हम पहले भी कह रहे थे ना कि हम लोगों ने 2018 में करवाया था पूरा का पूरा इसकी जांच सर्वेक्षण, तो पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। तो अभी जो हम फिर दोबारा करवाए तभी रिपोर्ट आई है कि 1,82,00,000 लोगों ने, 2,00,000 लोगों ने छोड़ दिया। मतलब हमने कहा था भी महिला पुरुष सबका पता करिए, इन लोगों ने पता लगाया कि 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है और 92-93% पुरुष हैं। तब इतना जब हुआ है तभी बड़ी चीज है ना, कुछ तो आदमी करेगा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सुविधा हुई। आप देख रहे हैं ना, अब बाजार में सब चीज कैसे बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, अब पहले उनका जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसी में खर्चा कर देते थे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया। और लेकिन कुछ आदमी तो करेगा ही, सब कोई बात नहीं, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हो। ईडी के रेट में क्या कहेंगे, पटना से लेकर दिल्ली बम्बई हर जगह रेट पड़ा है, क्या कहेंगे? आज फिर समन जारी किया गया, फिर बुलाया गया, कर रहा आज जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, जिसमें हमको क्या काम आपके सहयोगी पार्टी के। आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया, कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहां पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब जिनके बारे में अभी हो रहा है, तो 5 साल बीत गया और सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गए तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या करें? कितना साल पहले से रेड हुआ तब फिर हो रहा है, तब उचित करना क्या कर रहे हैं? तो याद कर लीजिए, खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेट सुनो, तब क्या मामला है क्या मामला नहीं है तो वही लोग बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे हैं। तो नौ दलों के पत्र में सर आपने समर्थन नहीं किया, जो सीबीआई ये सब तमाम जांचों पर सर पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को, बीजेपी कह रही है कि आप कभी इस तरह के नहीं कोई उस तरह की बात नहीं। देखिए हम तो वेट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करती हैं, उन सब चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो इच्छा, हम तो काम करते रहते, रात दिन देखते नहीं, हमारी सक्रियता को नहीं देखा। अभी लोग को पूछियो सामने भी है, कहाँ कहाँ गए, कितना जगह घूम कर गया, हर जगह की समस्या को देख लिया और उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो काम में एंगेज्ड हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा दल एकजुट हो जाए। तो एक राउंड हम बात करके कर आए हैं, फिर यदा कदा बात होती रहती है, आज जब होगा तो उसके बाद ऐसे छोटा मोटा चीज के लिए कहाँ कहीं जाने का जरूरत है। हमको उससे मतलब है, जो भी जिनको लगता है अपना पार्टी के लोग काम करते हैं तो करते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तो 7 पार्टियां एक साथ है, तो सब मिलकर सारा काम कर ही रहे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कौन क्या करते हैं, उनकी जो इच्छा होती है करते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन मेरा वहाँ पर पहुँच जाना ही कोई आवश्यक नहीं है। हम तो जब सब कुछ एकजुटता होगी उसी समय फिर जहाँ से लेकर के सब जगह जाने की जरूरत हो जाएंगे। हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है व्यक्ति, अपने लिए हम कुछ नहीं चाहते,
हम तो सबके हित में चाह रहे थे, जब जिस दिन हो जाएगा होगा, तो वेट कर रहा। कांग्रेस से आपने अपील की थी सर कि कुछ अब बिल्कुल बिल्कुल तम तो बराबर किए ही है। अब आप जानते हैं अभी दो बार हाल में मीटिंग हो चुका है, नहीं सीपीएम का जो था हो रहा था तो भाई इसमें माले का उनको उनमें भी कह दिया, और हम लोगों का जो वहां पर मीटिंग सातों पट्टिया का हो रहा था उसमें भी हमने कह दिया, तो कह ही रहे हैं।